तो देखिए ये है स्टैलियन शान। इसको इस घोड़े को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, इसका अपना फैन बेस है। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट इस घोड़े ने प्रोड्यूस किए हैं। मारवाड़ी कंफर्मेशन इसकी आप चेक कीजिए, इस घोड़े की नेक लाइन, टॉप लाइन, इस घोड़े के कान, बहुत ही खूबसूरत। ये अश्व जिसको होल्ड करती हैं दो खूबसूरत बहनें। वेलकम टू आरजे 19 हॉर्स वर्ल्ड। गाइस देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जितनी भी रश आज यहाँ पर है इस खूबसूरत घोड़े को देखने के लिए है। और ये खूबसूरत सी दो बहनें हैं जो इस घोड़े की ओनर हैं, प्राउड ओनर्स हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे इस खूबसूरत घोड़े की डिटेल। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार अपना परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा नाम अमनप्रीत भुल्लर है और ये मेरी सिस्टर। मेरा नाम कोमलप्रीत भुल्लर है। ठीक है। सो हम लोग हैं अभी श्री मुक्सर साहब मेले में, लेकिन घोड़े तो यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, लेकिन क्या कारण है कि ये इतनी भीड़? और मतलब घोड़ों का अमिताभ बच्चन है क्या ये? देख ही सकते हो। नहीं, हम तो देख ही रहे हैं। लोगों का प्यार है। बस बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं लोग घोड़ों को। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। ये आभारी है कि कितना प्यार दे रहे हैं लोगों के, आभारी है हम। ठीक है। सो ये है कोमल स्टड फार्म की प्राउड ओनर, दोनों सिस्टर्स आप दोनों। तो आपको बुरा नहीं लगता आप इनके नाम से फार्म बना दिया? मतलब कितना डिफरेंस है आप दोनों की एज में? 5 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आप बड़प्पन दिखा रही है मतलब। अगला फार्म आपके नाम से बनाएंगे हम लोग। बात करें इस खूबसूरत घोड़े की तो क्या डिटेल है इस घोड़े की? इसका नाम शान है जी। और ये दिलशान का बच्चा है। दिलशान रनिया? नहीं, फूल सिंह जी वाला। अच्छा, फूल सिंह जी वाला। ओके। और आलीशान का पोता है। आलीशान का पोता है। इसकी माँ लिनन है जो फूल लाइन की घोड़ी है। ओके। कटवा स्टड फार्म पे ब्रीड हुआ है। आपके पास कब से है ये? 2019 आप कब से हैं घोड़ों में मैम? हम तो बचपन से ही हैं। बचपन? आपका बचपन ही चल रहा है अभी? अभी आप बचपन के नहीं हुए हो, बचपन ही चल रहा है। कितने सालों से है घोड़ा आपके पास? 5-6 सालों से आप घोड़े फील्ड में हैं। सो देख सकते हैं मेरी बहुत छोटी छोटी बहनें मतलब घोड़ों को अभी ये बचपन की बातें कर रही है, अभी बचपन में ही चल रही हैं आप। सो कैसा लगता है जब घोड़े को इतना प्यार मिलता है, घोड़े तो क्या फील होता है? मतलब बहुत अच्छा फील होता है। मैं मतलब हमको तो हम इतना सोचते नहीं, लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, डबल प्यार देते हैं, डबल ट्रिपल प्यार देते हैं। तो ये कहाँ पे स्टेबल्ड है ये घोड़ा इस वक्त? ये कोमल स्टड फार्म पे श्री मुक्सर साहिब। श्री मुक्सर साहिब में ही अब स्टेबल्ड है ये? ओके। और कितने साल का घोड़ा हो गया ये? साढ़े पांच साल का घोड़ा हो गया अभी तो। मतलब इस घोड़े को तो सब लोग ही जानते हैं। कितने क्या रिजल्ट आ चुके हैं इस घोड़े के? इसके काफी रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, बच्चियां भी आ चुकी हैं। ज्यादा इसकी बच्ची आती है। अच्छा, अच्छा बछेरी ज्यादा आती है इसकी। ठीक है। और क्या है इसकी ब्रीडिंग फीस क्या है? अगर कोई किसान भाई अगर आपके पास आना चाहे, मैं ब्रीडर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मेरे चैनल पे मैं। सी गाइस, किसान वो आदमी है जिसके पास दो घोड़ी है, एक घोड़ी है, 10 घोड़ी वाला तो बिजनेसमैन है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उनके लिए क्या फीस आप चार्ज? तो इसकी फीस 51,000 है, बट ऐसे कि अगर घोड़ी अच्छी है तो जितना मर्जी दे जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, किसान के लिए कोई शौक को प्रमोट कर। ठीक है ठीक है। लेकिन अभी तो मतलब जो जो भी स्टैलियन है पंजाब में, ये ट्रेंड है कि मतलब लाख सवा लाख फीस। तो आपने इस मतलब इतना फेमस स्टैलियन है उसकी फीस भी आपने सिर्फ 51,000 रख रखी है? देखो, इसके ना दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। फीस का ये कारण है, पहले इसकी फीस थी 31,000। ठीक है, हमने नॉर्मल फीस रखी थी क्योंकि हमको फीस से नहीं, शौक से है। शौक से मतलब अच्छी घोड़ी हो तो हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। बट क्या हुआ कि इसके एक दो रिजल्ट्स आए। देखो, घोड़े के बस में अच्छा प्रोड्यूस करना, राइट राइट, ठीक है, संभालने की जिम्मेवारी अगले की है। बिल्कुल सही बात है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत ही ज्यादा सुंदर बच्चे आए, वो संभाल नहीं संभाल नहीं पाए। हाँ, संभाल नहीं पाए तो इसलिए इसकी फीस हमने इंक्रीज कर दी। हाँ, 51,000 कर दी। जो फीस देगा वो संभालेगा भी। वो संभालेगा भी, इसलिए हमने इसकी फीस 51,000 की है क्योंकि घोड़े के बस में तो अच्छा प्रोड्यूस करना है। अगर आप संभालोगे नहीं तो फिर कहोगे ये उस घोड़े का बच्चा है। इसमें घोड़े का नहीं ना कसूर, बिल्कुल आपका कसूर है। घोड़े के बस में तो सिर्फ अच्छा प्रोड्यूस करना है, संभालना तो मालिक के बस में। बिल्कुल। तो ऐसा क्या ट्रेन कर रखा है आपने कि इतने लोग आप देख सकते हैं एकदम मुंह के पास खड़े हैं? स्टैलियन तो अपने पास किसी को खड़ा भी नहीं होना चाहता, लेकिन इसको
कोई मतलब ही नहीं है। ये अपना, मैंने कल भी इस घोड़े को चेक किया था, ये घोड़ा बहुत शांत है। एज स्टैलियन अगर आप चेक करें तो बहुत शांत है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। इधर हमने इसको जैसे कह दिए वैसे ही करेगा, पर बाहर अगर निकालेंगे तो ये अग्रेसिव है। ठीक है, जब इसको अपना आप दिखाना होता है तब दिखाता है। अच्छा, जब एटीट्यूड दिखाना होता है तो बाकी शांत रहता है, बाहर निकालेंगे तो तब दिखाएगा, इधर शांत ही रहेगा। आप राइड भी करते हो? हाँ, हम राइड। बताइए जरा अपने बारे में, क्या राइड, कब से क्या सीख रहे हैं आप? बचपन से ही करते आ रहे हैं राइड। फिर बचपन, फिर मैं पचपन की आंटी बोलने लग जाऊंगा आपको, मुझे नहीं बताते। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 17 ईयर। 17 मतलब गाइस, मतलब आप देख सकते हैं 7। आपका बचपन चल रहा है अभी, ठीक है, आपका बचपन चल रहा है। एंड हाउ ओल्ड आर यू दिया? 22। आपका भी बचपन ही चल रहा है, आपका टीनेज चल रहा है अभी, टीनेज चल रहा है, ठीक है। तो ये खूबसूरत सी घोड़े रखे हैं तब से। हाँ हाँ हाँ, तो आप राइड करती हैं, इसको भी राइड करती हैं? इसके अलावा कुल कितने के जानवर है अपने पास? हमारे पास है 13-14। 13-14 जानवर है, लेकिन सांड घोड़ा यही है? सांड घोड़ा स्टैलियन यही है, बाकी मेयर्स हैं। और सारे जानवर अपने पास मारवाड़ी है? एक नुकरी है, बिकॉज पंजाब नुकरियों के लिए जाना जाता है, पंजाब का शौक है, पंजाब की ब्रीड है, तो फिर मारवाड़ी। ठीक है, ठीक है। और कौन से मेलों में लेके जाते हैं आप इस घोड़े को? मोस्टली सभी मेलों में जाते हैं, जैसे आउट ऑफ स्टेट हो तब वहाँ भी जाते हैं, बस इस बार पुष्कर नहीं जाया गया, नहीं तो जाते हैं सब। अच्छा, और क्या पढ़ रहे हैं आप लोग अभी? मैं तो प्लस टू में हूँ अभी। प्लस टू में हो, बहुत बड़ी आंटी हमारे साथ में है जो प्लस टू कर रही है अभी। आप भी कह रहे हो बचपन, मैंने नहीं बोला, आंटी मत कहो ना। और आप क्या पढ़ रही है? सॉरी, अच्छा, मास्टर्स कर रही है किसमें? ओके, अगर आप ऐसे बोलोगे बचपन बचपन तो फिर तो गाइज हमने इनको बुढ़ापे से बचपन में लिया है 3 मिनट में। तो गाइज ये है इस खूबसूरत स्टैलियन की ओनर्स। और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक घोड़ों का आपका, क्या एक्सपीरियंस है? अगर अब मैं देखूं कि अगर जो नए लोग घोड़ा फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, इसको मर्द का शौक कहा जाता है, कैसा लगता है कि आप दो लड़कियां इस बड़े स्टैलियन को होल्ड करती हैं और लोगों का जो ओवरऑल रिस्पांस दिखता है? तो जो नए लोग घोड़ा मार्केट में या घोड़ों का शौक रखना चाहते हैं, जो बच्चियां ये वीडियोस देखेंगी, उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम अपने एस्पेक्ट से तो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा शौक है, अगर कोई इस फील्ड में आ रहा है तो उसका माइंड टिका रहता है। जी जी जी, वो किसी और गलत साइड नहीं जा रहा। और पिछले 2-3 सालों से आप देखो, चाहे हमें देख के चाहे कई और लड़कियों को देख के, बहुत लड़के इस फील्ड में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे कि घोड़ा नहीं देखता, घोड़ा जेंडर नहीं देखता कि मुझे एक लड़की संभाल रही है या लड़का संभाल रहा है। राइट, तो ये देखना है कि मेरे ऊपर कौन मेहनत कर रहा है, मेरे ऊपर कौन है। लड़की ज्यादा मेहनत करेगी तो लड़की की बात ही समझेगा। बिल्कुल सही बात, ये तो हमारी सोसाइटी की सोच है कि ये मर्दों का शौक है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है ये। राइट, अब लोगों की टर्न है कि वो अपनी मेंटेलिटी को चेंज करे। सी, मैं भी इसीलिए आप लोगों का इंटरव्यू करना चाहता था कि छोटी बच्चियां स्पेशली देखें और सीखे। मैंने यहाँ पे खुशी जेलदार हैं, उनके पास भी एक बहुत खूबसूरत घोड़ा है, उनको भी कवर किया। तो ये एक सीरीज में, बिकॉज सोसाइटी में जरूरत है चेंज लाने की, ठीक है, और के लड़कियां सब कुछ कर सकती है, घोड़ा भी रख सकती है, स्टड फार्म भी रख सकती है, राइड भी कर सकती है। अभी दिव्य कीर्ति जी ने बहुत अच्छा मेडल लिया, अर्जुन अवार्ड लिया है, वो भी हमारी बहन है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है हॉर्स फील्ड में। तो ऐसे जो न्यू कमर्स जो बच्चे हैं उनको सीखने के लिए मिले। खैर, कितना वक्त देते हैं आप इस घोड़े पे, अपना स्टड फार्म? देखो, हम स्टडी कितने साल का घोड़ा हो गया जी? ये 5.5 साल। 5.5 साल का हो गया, ठीक है। और ये आप गाइस देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त भीड़ हमारे सामने आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये दो खूबसूरत प्राणी आप लेके आई हैं, इसके बारे में बताइए कौन है ये भाई साहब? आओ आओ आओ, पाकिस्तानी बुली। ये देखिए, भाई सो रहा था मेरा भाई, इसका नाम साफ है। हाँ, और पाकिस्तानी बुली है, पाकिस्तानी बुली। और आज इसका बर्थडे भी है। ओहो, हो गया, हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को भी नहीं देख रहा है, चुप करवाओ इसको। अभी आपको ही देख रहा है मिस्टर जाफर, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, ये है पाकिस्तानी बुली, ये अपने इंपोर्ट किया है। अच्छा अच्छा, ये बाबर का बच्चा, बाबर का बच्चा।
ओके ओके तो ये भी डिस्प्ले के लिए लाए हम लोग। उधर उधर एक और है हमारे पास में, चेक कराइए क्या है। ओ हो आओ जी आओ, रॉटवाइलर है ये, मेल है ये भी। तो ये भी शौक के लिए रखे हैं या अपने पास कैनल वैनल का भी काम अपन लोग सोच सोच रहे हैं? अभी तक किया नहीं है, अभी तक तो शौक के लिए, वैसे शौक के लिए रखे हैं। तो ये दोनों ऐसे अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हाँ भाई हाँ 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 अग्रेसिव है। क्या नाम है इसका? चेस्टर। ओके ओके, सो मतलब फार्म पे घोड़े, डॉग्स, कबूतर भी है? अच्छा मंकी भी है, मंकी दिखाइए कहाँ है मंकी। अच्छा ये घोड़े के साथ ही रहता है? हाँ, ये घोड़े का बॉडीगार्ड। अच्छा ये घोड़े का बॉडीगार्ड, तो गाइस क्या नाम है इसका? बिल्लो। बिल्लो, गाइस इसने मेरा कैमरा बंद कर दिया, ये है बिल्लो, मिस्टर बिल्लो। इतना ही बात करेंगे इसे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करेंगे आपका शौक बना रहे। हमें RG 19 हॉर्स वर्ल्ड, और जरूर आपसे मुलाकात करेंगे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी और मेले में। और बहरहाल बहुत अच्छा शौक है आपका, इसको मेंटेन रखिए और बचपना अपना जिंदा रखिए, क्योंकि बुढ़ापे के लिए जिंदगी बाकी है अभी। अब अगर किसी को अब किसी को बोलोगी तो बोलोगी मेरे बचपन में, बचपन से ही हूँ मैं, और 5 साल से मैं घोड़े रख रही हूँ, 6 साल से घोड़े रख रही हूँ। आप मेरी छोटी बहन है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। जवानी बुढ़ापा बहुत लंबा है, जब तक बचपना रह सकता है बचपन रखिए। बहरहाल गाइस बहुत अच्छा शौक है, ये खूबसूरत सी दो छोटी छोटी बहनें इस खूबसूरत और फेमस स्टैलियन के साथ में है, और हम लोगों को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया यहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं कितनी भीड़, कितना रश है इस खूबसूरत घोड़े को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बने रहिए RJ 19 हॉर्स वर्ल्ड के साथ में। थैंक यू सो मच।